हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो शौर्य और विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, दिस इज रिगार्डिंग, मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, SSB की प्रिपरेशन की राइट डेट क्या है या करेक्ट टाइम क्या है। जनरली जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो यही देखी हैं कि लोग पहले अपना रिटर्न एग्जामिनेशन देते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन में कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, चाहे वो CDS हो, AFCAT हो। और रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, जैसे अभी नवंबर में एग्जाम हुआ, 14th of November को, जब 14th of November का एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, तो 14th नवंबर के एग्जाम के बाद 1-1.5 महीने में जब रिजल्ट आएगा दिसंबर एंड तक, उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो लोग उसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। नाउ पीपल हु आर गेटिंग रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट और जो कम प्रिपरेशन के साथ रिकमेंड हो जाते हैं, इनका जो नंबर है, आई मीन टू से द परसेंटेज ऑफ दीज पीपल गेटिंग सिलेक्टेड आर लेस देन इवन 1%, आई फील। ठीक है, दो इवन आई गॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उससे पीछे की मेरी काफ़ी सारी चीज़ों की मेहनत थी, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो मेरे हिसाब से अगर कोई करेक्ट टाइम पूछता है, पहली बात तो SSB प्रिपरेशन की कोई करेक्ट टाइम नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ योर लाइफ। एंड आपने जो चीज़ें स्कूल के अंदर करी हैं, आपने जो चीज़ें कॉलेज के अंदर करी हैं, वो सारी ही इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज दैट, अगर अभी आप 10th में हैं, मतलब इफ़ यू हैव जस्ट आपने 10th में 10th खत्म करके 11th में गए हैं, तो अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ में, ड्रामा में, डिबेटिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए। और अगर आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इन सारी एक्टिविटीज़ में, जो कॉलेज के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ होती है, उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके PIQ को बहुत अच्छा बनाएगा और स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा। सो आई हाईली हाईली रिकमेंड यू, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, नाउ द करेक्ट टाइम एज पर मी इज़ दैट कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, और मान लीजिए आपने अपनी रिटन एग्जामिनेशन को 6 महीने या 1 साल का वक्त दिया है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब आपकी रिटन एग्जामिनेशन को करीबन 1 महीने का वक्त हो जाए, तो आप हर दिन कम से कम उसको, अपने SSB की प्रिपरेशन को 1 घंटे का टाइम दें। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं, 1 घंटे का टाइम दीजिए, जैसे कि अपनी इंग्लिश के ऊपर, अपनी वोकैबलरी के ऊपर, अपने स्पोर्ट्स के ऊपर, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना स्टार्ट करिए। आप में से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और उनका स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर का या पोस्ट ग्रेजुएशन का एकेडमिक क्वालिफिकेशन लो है, तो आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। आप कोर्सेरा से फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, उडामी उडामी वगैरह भी साइट से, कोर्सेरा पे तो आपको फाइनेंशियल एड का अभी ऑफर मिल जाता है, यू कैन अप्लाई थ्रू दैट। कोर्सेरा के कोर्स के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज दैट प्लीज स्टार्ट गिविंग SSB 1 hour ऑफ टाइम एवरी डे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए, बिकॉज बाय द टाइम जब आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होगा, आपको 50-60% प्रोसेस समझ आ चुका होगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रिकमेंड हुए हैं आपने हाल फिलहाल में अनअकैडमी शौर्य पे, मैंने अमन का, संजीव का, हिमांशु का, ऊर्जा का, प्राची का, काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो दो दो बार रिकमेंडेड है, फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन मिलिट्री अकेडमी। उसके बाद हर्षित का भी अगर आपने मेरे ही चैनल पर इंटरव्यू देखा, इज ऑल्सो रिकमेंडेड ट्वाइस। तो अभी आपने देखा होगा मैंने फोटो शेयर करी थी कम्युनिटी के अंदर, जहां पर स्वाति, सुमित और चंद्रमोहन, थ्री ऑफ देम हैव बिकम सब लेफ्टिनेंट। 27 नवंबर को ही उनकी POP थी। मैंने वो सारे फोटोग्राफ शेयर करे, बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, काफ़ी टाइम से जुड़े थे, एंड इट गिव्स सो मच ऑफ हैप्पीनेस दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ देयर जर्नी एंड दे हैव बिकम, दे विल बी सर्विंग द नेशन। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा कि आप अपनी SSB की प्रिपरेशन को जहां तक देखते हैं, उसको जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा। और ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मेरे कोर्स में ही एडमिशन लेना है, आप कहीं से भी पढ़िए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स, PIQ। PIQ का फॉर्म तो आपको गूगल से मिल जाता है, उसको डाउनलोड करिए और उस फॉर्म को भर के देखिए। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उन क्वेश्चन के अंदर आपके स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है, अपने वीक पॉइंट्स क्या है, इंट्रोस्पेक्शन करिए, सोलिलोक्वी करिए, एंड दीज विल इनहैंस योर पर्सनैलिटी। जो काम आप SSB से मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन पहले करना स्टार्ट करेंगे, अगर वो आप पहले से खत्म करके रखेंगे, तो बाय द टाइम योर SSB अप्रोचेस, यू विल बी मच मोर क्लियर इन योर गोल्स। ओके, तो यू विल बी मच मोर क्लियर इन द गोल्स। सॉरी गाइज, कोई आ गया था, आई होप यू डोंट माइंड। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज दैट दैट माई न्यू SSB कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 15th of December। 15 दिसंबर को मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी, मेंटरशिप फ्रॉम मी, यू कैन इनरोल इन दैट कोर्स। द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय2, SANJAYTWO। और उस कोर्स के अंदर इंट्रोडक्शन,
साइकोलॉजी, GTO, IO तीनों चीज़ें ही होंगी। और करीबन मेरा कोर्स आपको पता ही है, मेरा कोर्स कोई छोटा होता नहीं, 3 महीने, 2.5-3 महीने का वो आपका कोर्स रहेगा, जिसके अंदर थॉरो एनालिसिस, PIQ एनालिसिस, SDT एनालिसिस विल बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड काफ़ी भीड़ रहती है इस कोर्स के अंदर, तो आई विल ओनली आस्क कि आप जल्दी से जल्दी इनरोल करिए। आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो यू विल फाइंड ऑल दी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स, और जो मैंने कोर्सेरा का लिंक दिया है उसका भी मिल जाएगा आपको। सो काइंडली डू टेक एडमिशन, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे शौर्य और विवेक मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, रिलेटेड टू कोर्स और रिलेटेड टू सम SSB क्वेरी वगैरह, और कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक बच्ची की आवाज़ आ रही है। आई जस्ट रीइटरेट दैट देर इज नॉट एनी पर्टिकुलर करेक्ट टाइम फॉर द SSB, सो ओनली करेक्ट टाइम इज दैट वेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, उसके साथ साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करें। छोटे बच्ची की आवाज़ आ रही है, मैं बालकनी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। थैंक यू वेरी मच, आई थिंक द किड वॉन्ट्स टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज आई बिलीव। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।